भाई पगार कम है रे बहन, जो तुम्हारी जितनी थोड़ी ना Thank you.
आपके सामने एकदम
Peter.
सामने क्या इधर देखिए सामने
to the right, please. Right, right. Yeah, ma'am. कैसा है बॉस? अच्छा वाला फोटो करता है। कब मिला? सर इधर देखिए। आपका नाम सर? आपके सामने नाम पता है आपका? हाँ कितना है आपने? सर सर आते हैं सर आते हैं। कब मिला? कब छोटा? हाँ। डॉलर फ्रेंड्स। कब मिला? सर इधर देखिए। It was magical. Kresha Bajaj is a magical, magical human being. Her clothes were just like spectacular. पूरा theme था underwater का, deep sea का. और उन्होंने जितनी खूबसूरती से पूरा माहौल बनाया, you could hear dolphins, you could hear the waves, sound of the waves, and the craft in the clothes was just exquisite, exquisite. Also, he's completed 1 year of his store opening also. Yes, she's Kresha is amazing. She's just amazing. I love her and I'm so proud of her. Thank you.
आपको लगा कि उनका एनकाउंटर होना सज़ा मिलना है? ये सवाल ही गलत है ना, क्योंकि एक जुडिशियल सिस्टम एग्जिस्ट करता है ताकि सबको, अपराधी को और मासूम को मौका मिले अपने अपराध या मासूमियत को साबित करने का. आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनकाउंटर्स. आई थिंक इट्स डीपली डिसअपॉइंटिंग दैट दिस इज़ हैपेंड, बट आई रियली होप एंड विश एंड प्रे कि जितनी भी ऐसी घटनाएं घटी हैं उन सबके जो अपराधी हैं उन्हें सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, लाइफ सेंटेंस मिले या डेथ सेंटेंस मिले. लेकिन ये जो एनकाउंटर वाला मामला है कुछ समझ में नहीं आया. थैंक यू. हैदराबाद से भी है. फैशन शो से आप आ रही हैं तो कितना एंजॉय किया आपने, तो पहले ये जानना चाहिए. क्रेशा बजाज इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड शी डिज़ाइंड द साड़ी दैट वॉज द क्लोजेस्ट टू माई हार्ट इन माई इंगेजमेंट एंड शी इज़ बीन अ रियली डियर फ्रेंड एवर सिंस. एंड टुडे व्हेन आई सॉ द शो आई ऑलमोस्ट टीयर्ड अप बिकॉज she works really really hard and she's a perfectionist and she has great quality and beautiful designs and I'm so proud to be here to celebrate with her. You know, it's her first anniversary, so kya wish karna chahenge aap apne andaaz mein and kya kuch kehna chahenge? I wish her the world. I wish her that you know that her true potential comes out, because I know that Krisha Bajaj is capable of a lot. So I wish her that her true potential and her worth is recognized. Iske alawa har kisi ko intezar hai ki hindi filmon mein ko like, kyunki hum dekh rahe south ke bahut sare actor hindi filmon mein kaam kar rahe hain aur bahut hi acha kar rahe hain. Chahe Tamanna Bhatia ji ki baat kar le, Sudeep Picha ji ki film aa rahi hai Dabang 3, har kisi ko besabri se intezar hai. Rakul ji ko hum dekhe, aapka besabri se intezar log kar rahe hain. So like hum dekhenge aapko aise hindi film. अभी फैमिली मैन सीरीज आई एम डूइंग राइट, सो आई थिंक दैट्स माई फर्स्ट स्टेप हियर एंड आई एंजॉय बींग पार्ट ऑफ फैमिली मैन अलॉट एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट सीजन वन हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन. एंड सॉरी आई एम नॉट गोइंग, आई नो हिंदी बट आई एम वेरी साउथ इंडियन एंड एक्सेंट होगा सो आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक, बट आई अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड आई एम इंजॉइंग वर्किंग विद द टीम ऑफ फैमिली मैन एंड आई कॉन्ट वेट फॉर अ न्यू सेट ऑफ ऑडियंस टू सी माई वर्क. इनकाउंटर में खुशी, यू कांट रियली, इट्स रॉन्ग टू से ये खुशी बात है, बट आई ऑल्सो बिलीव दैट फियर, अभी फियर इज़ द ओनली सोल्यूशन. एंड देर आर अबाउट 3 crore पेंडिंग केसेज इन आर कोर्ट्स. वेन इज़ द टाइम फॉर जस्टिस? इट्स गोइंग टू टेक सो लॉन्ग. सो आई होप दैट दिस इज़ अ वेक अप कॉल to fix our judiciary system and fix our laws, and victims and victims families should not wait for so long, and I think that is completely wrong. But at the same time, I will not stand here and celebrate encounters. Yes, an encounter happened, justice was served, but I'm not going to say ye khushi ki baat hai. Thank you. विश करना है सर आपको, प्लीज जल्दी आ, जल्दी आ सर.
फर्स्ट एनिवर्सरी एंड आप फैशन शो भी देख कर आ रहे हैं। हाँ, किशोर बजाज मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, जब से वो बड़ा साहब टेलरिंग एस्टेब्लिशमेंट चलाते थे, मैं अपने कपड़े अपने पिक्चरों के कॉस्ट्यूम वगैरह सब वहीं से बनवाता था। और क्रेशा को मैं जब से जानता हूँ, जब से वो पैदा हुई और छोटी सी बच्ची थी, गोद में खिलाया उसको, बहुत खुशी होती है उसका काम देखकर, और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैं उसको भी, किशोर किंतु सब पूरी बजाज फैमिली को। सर, आपसे एक रिएक्शन जानना चाहिए, पूरे देश में इस समय बातें चल रही है, ये पॉलिटिकल सवाल ना पूछे यार, ये सब मौका है पॉलिटिकल सवाल। क्या बोल रहे हो मधु जी? हाय, प्लीज कम, हम गुड, हाउ आर यू? आ जा जल्दी, आ जल्दी, यू नो मधु, मधु जी, यू नो फर्स्ट एनिवर्सरी है एंड फैशन शो आपने आप देख कर आ रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस एंड फर्स्ट एनिवर्सरी शो देख। आई विश क्रेशा ऑल द बेस्ट to for her first anniversary and for everything else that she does, and I know her family very well. Kishore bhai and I know them, they were the first people, they are very good friends of my husband. So when I was it's nostalgia, when I was dating Anand back then, my husband, he was the first person I met, Kishore bhai. So today I'm there for his daughter's anniversary, so you know, it's beautiful, it's a long family relationship, and I wish the family all the best. मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती टीवी पे के यू नो के मैं गलत बोल जाऊँ, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि यू नो जिस तरह से ऑल दिस हम सब डरे हुए हैं, एंड ऐसे लगता है कि जस्टिस नहीं होती, वी नो के बहुत सालों साल लग जाते हैं, और फिर भी इतने सालों के बाद भी ऐसा लगता है कि जस्टिस नहीं होता। सो ये जो शूटिंग हो गया यू नो एनकाउंटर से, एवरीबडी इज़ फीलिंग के दिस इज़ फैंटास्टिक, एंड आई एम ऑल्सो नो डिफरेंट, एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वायलेंस होनी चाहिए एंड टिट फॉर टैट एंड ऑल, बट मैं आई प्रे टू गॉड दैट दिस काइंड ऑफ हेट्रेड एंड नेगेटिविटी और ऐसी चीज़ें हो ही नहीं हमारे कंट्री में एंड हमारे वर्ल्ड में। आई होप देयर इज़ मोर लव, एंड आई होप वी आर ऑल रिस्पेक्टेड, एंड आई होप वीमेन आर लव्ड। आई होप यू नो इट्स ब्यूटिफुल टू बी अ गर्ल, इट्स ब्यूटिफुल टू बी अ वुमन, एंड आई होप वी आर लव्ड एंड रिस्पेक्टेड एंड चेरिश्ड एंड टेकन केयर ऑफ, ना कि हम डर डर के भागें और फिर किसी को शूट करें, ये सब नहीं हो। आई प्रे दैट वी हैव दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड सून। थैंक यू। आप बताओ कैसे हो? मैं ठीक। सो आप बताइए कि फर्स्ट एनिवर्सरी है, आपके अंदाज में आप क्या विश करना चाहेंगे एंड आप फैशन शो आप एंजॉय करके आ रहे हैं, थोड़ा सा जरा उसके बारे में। जी, आई थिंक इट वाज अमेजिंग शो, क्रेशा ने बहुत अच्छा काम किया, कपड़े बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, तो मैं क्रेशा को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। उनके कपड़े बहुत लोग पहनते हैं और शी इज अ बिग नेम, सो ऑल द बेस्ट टू क्रेशा। सो न्यू ईयर की क्या कुछ प्लानिंग होने वाली है आपकी तरफ से, क्योंकि जस्ट है एंड आपकी तरफ से डबल सेलिब्रेशन भी होने वाला है। जी, सर मेरे आई थिंक डबल सेलिब्रेशन के लिए मैं घर पे रहने वाला हूँ इस बार न्यू ईयर के लिए, क्योंकि अभी कभी भी हो सकता है बच्चा, सब देखते हैं। सो दिस ईयर देयर इज नो प्लान, आई थिंक आई एम गोना बी इन बॉम्बे विद फैमिली एंड सेलिब्रेटिंग माय न्यू ईयर। जी, आई थिंक दैट रेप इज़ अ वेरी हीनियस क्राइम, एंड इफ समबडी हैज़ नॉट बीन ह्यूमन टू अ वुमन विद द वे इट्स बिन हैपनिंग एंड इट्स बिन हैपनिंग अ लॉट इन द कंट्री, आई डोंट थिंक दे डिजर्व अ ह्यूमन राइट। सो आई थिंक देर शुड बी अ कैपिटल पनिशमेंट और देर शुड बी सम स्ट्रॉन्गर लॉज टू कर्ब इट, बिकॉज आई थिंक इंडिया इज बिकमिंग अ प्लेस वेयर रेप्स आर हैपनिंग इन एवरी स्टेट सिटी एंड इट्स बिन हैपनिंग वेरी रैम्पिडली, सो देर नीड्स टू बी सम चेक ऑन दैट। थैंक यू। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है सर, आपके साथ।